टू माई चैनल शाइनी रूप्स गाइज, मेरा नाम है रूपा। तो हमारे शिमलेपाल और पंचलिंगेश्वर के टूर के दूसरे दिन हम गए थे खीराचोरा गोपीनाथ टेम्पल पे, और आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ इसी मंदिर में। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कलरफुल है, और ये जो मंदिर है ये लॉर्ड कृष्णा के ऊपर है। तो यहाँ पे आप भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, और अगर आप बाल गोपाल की पूजा करते हो, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हो, उनके बहुत सारे रूप की आप पूजा करते हैं, तो इस मंदिर पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो तो पंचलिंगेश्वर से ये बहुत दूर नहीं है, आराम से आप जा सकते हो। वहाँ पे बालासोर रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर दूरी पे है, और ये रेमुना बोल के एक छोटा सा गांव है वहाँ पे है। यहाँ पे बहुत सारी कलाकृति किया गया है, बहुत सारे पोर्ट्रेट ड्राइंग किया हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण के लाइफ के ऊपर सारी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या किया था, उनके जो सारे लीलाएं वो रचते थे, उनके सारे रूप, ये सारी चीज़ों का एक आप यहाँ पे जाके पोर्ट्रेट देख सकते हो। ड्राइंग के थ्रू ये दिखाया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो जगह है छोटे से गांव में है, तो इसीलिए इतना हल्ला आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, एकदम शांत एनवायरनमेंट है। तो हर साल बहुत सारे लोग जो विंटर में यहाँ पे घूमने जाते हैं, वो इस खीराचोरा गोपीनाथ टेम्पल पर ज़रूर जाते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो खीराचोरा गोपीनाथ टेम्पल के ऊपर। वैसे रेमुना जो शब्द है ये रामायण से लिया गया है, और खीरा का मतलब आप लोगों को पता ही है, भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो उनको खीर बहुत पसंद थी, उसी के ऊपर ये वाला जो नाम है ये रखा गया है, खीराचोरा गोपीनाथ टेम्पल। तो पंचलिंगेश्वर घूमने आप जा रहे हैं तो इस जगह को एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो, एंड आई विल बी बैक सून विथ अनदर वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।